एबीपी सांझा देख रहे सारे दर्शकों मैं दीप्ति जिया कहनी हाँ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 16 मार्च को खटकल कलां विखे भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर सहु चुकन जा रहे हैं। चर्चावा तेज़ हो गई ने कि मान की नवी कैबिनेट दे विच केड़े चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। सो इस रिपोर्ट दे विच वेख लें कि विधायकों नवे मंत्रिमंडल दे विच थां मिल सकती है। पंजाब नूं भगवंत मान दे रूप च 17वां मुख्यमंत्री मिलन जा रहा है अते हुण चर्चा तेज हो गई है कि भगवंत मान दे नवे मंत्रिमंडल च किहड़े विधायक नूं मौका मिल सकदा है अते क्यों। शुरुआत पंजाब दियां हॉट सीटां चों इक सीट श्री चमकौर साहब तों करदे हां, क्योंकि अपनी जद्दी सीट तों पंजाब दे मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी नूं आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार डॉक्टर चरणजीत सिंह ने 7942 वोटां दे वड्डे फर्क दे नाल करारी मात दित्ती है। आम आदमी पार्टी तो डॉक्टर चरणजीत सिंह 70248 वोटां मिलियां सन अते जेतू करार रहे ने। कांग्रेस पार्टी तो चुन रल रहे साबका मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी दे हिस्से 62306 वोटां ही आईयां। ते हुण सब तो पहला जान लैने आ आखिरकार कौन ने डॉक्टर चरणजीत सिंह। पंजाब दी राजनीति दे विच नवा चेहरा ने डॉक्टर चरणजीत सिंह का जन्म 1961 दे विच होया। हलका इंचार्ज दी ड्यूटी निभा चुके ने, दो बार विधानसभा दियां चोणां भी लड़ चुके ने। 2017 दियां चोणां च चरणजीत सिंह चन्नी तो हालांकि चोण हार गए सन। मोरिंडा दे विच अखां दे स्पैशलिस्ट वजो सेवावां निभा रहे ने। पत्नी हरजीत कौर गायनी स्पैशलिस्ट है। इलाके दे लोका दे नाल डॉक्टर चरणजीत सिंह जुड़े हुए ने। 2017 दे विच 48752 वोटां दे नाल हालांकि उन्हां नूं संतुष्टि करनी पई सी। चरणजीत सिंह चन्नी 61060 वोटां दे नाल जेतू रहे सन, पर 2022 दे विच तस्वीर बदली। आम आदमी पार्टी दे चली हनेरी दे विच मुख्यमंत्री पंजाब ही हार गए। ते हुण ओह वड्डे कारण समझ लैने आ जिस दे चलदिआं उन्हां नूं मंत्रीमंडल दे विच थां मिल सकती है। डॉक्टर चरणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री पंजाब नूं सख्त टक्कर दित्ती। चरणजीत सिंह चन्नी नूं 7942 वोटां दे फर्क नाल हराया। हलका इंचार्ज दी ड्यूटी निभा रहे सन डॉक्टर चरणजीत सिंह, दो बार दियां विधानसभा चुनां लड़ चुके ने, ईमानदार अते साफ सुथरा चरित्र रखते ने। लिस्ट दे विच अगला नाम अजीत पाल कोहली दा है, जो हॉट सीट पटियाला अर्बन तो साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हरा के विधायक चुने गए ने। हालांकि इत्थों 17 उम्मीदवार चुन लड़ रहे सन। आप ने साबका मेयर अजीत पाल कोहली अते कांग्रेस ने भी साबका मेयर विष्णु शर्मा नूं ही इत्थों टिकट दित्ती सी। हालांकि मुकाबला इत्थे कांग्रेस दे ते कैप्टन विचाले ही समझा जा रहा सी, पर आप लहर च आप दे अजीत पाल सिंह कोहली ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं 19873 वोटां दे वड्डे फर्क दे नाल हराया है। 2022 चोण नतीजों की गल की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं 28231 वोटां पईआं, जबकि आम आदमी पार्टी तो चोण लड़ रहे अजीत पाल सिंह कोहली नूं 48104 वोटां पईआं ते ओह जेतू करार दित्ते गए। ते हुण जाण लैने आ कौन ने अजीत पाल सिंह कोहली। पोलिटिकल साइंस दे विच एमए दी पढ़ाई कीती हुई है। 2007 दे विच श्रोमणी अकाली दल वल्लों सब तो छोटी उम्र दे विच ही पटियाला दे मेयर चुने गए सन। कोहली परिवार लंबे समय तो पंजाब दी राजनीति दे विच सरगर्म रहा है। कौंसल प्रधान तो लैके कैबिनेट मंत्री तकर दे अहुदे संभाले ने। श्रोमणी अकाली दल दे विच पंथ ते पंजाब दी सेवा भी कीती गई है। हालांकि उन्हां दे पिता पटियाला शहर तो कौंसलर प्रधान रहे सन अते दादा अकाली शासन दे विच विधायक ते मंत्री भी रह चुके ने। ते हुण ओह वड्डे कारण जान लैने आ जिस दे चलदिआं उन्हां नूं भगवंत मान दे नवी कैबिनेट दे विच थां मिल सकदा है। अजीत पाल सिंह कोहली पटियाला दे मेयर दी जिम्मेवारी निभा चुके ने।
इस तो इलावा कोहली परिवार दे कोल चंगा सियासी तजर्बा है। कौंसल प्रधान तो लैके कैबिनेट मंत्री तकर दे परिवारिक मैंबर अहुदे संभाल चुके ने। ते अगला नाम आपदे चेतू उम्मीदवार लाभ सिंह उगोके दा जो 37,558 वोटा दी बेहद वड्डी लीड दे नाल पदौड़ हलके तो साबका मुख्यमंत्री पंजाब नू हरा के विधायक चुने गए ने अते हुण भगवंत मान दी नवी कैबिनेट दा हिस्सा हो सकते ने। ते हुण लाभ सिंह उगोके दी शुरुआती जिंदगी बारे कुछ गल्लां जान लैने आ। लाभ सिंह उगोके दा जन्म 1986 दे विच होया सी। परिवार दे विच माता बलदेव कौर, पिता दर्शन सिंह, भरा सुखचैन सिंह, परिवार च पत्नी वीरपाल कौर सने दो बेटे ने। पिंड दे प्राइमरी स्कूल तो दसवीं की पढ़ाई करते ने। 2004 दे विच नेड़ले पिंड सुखपुरा मोड़ तो बारहवीं की अते फिर बारहवीं तो बाद मोबाइल रिपेयर अते प्लंबिंग का डिप्लोमा भी किया। 3 साल पिंड दे विच मोबाइल रिपेयर की दुकान भी चलाई है। ते हुण जानदे आ कि क्यों उन्हां नूं मंत्री मंडल दे विच थां मिल सकती है। लाभ सिंह उगोके 2013 तो ही पार्टी दे नाल जुड़े हुए ने। 37,558 वोटां दे नाल चरणजीत सिंह चन्नी नूं मात दित्ती है। 2022 चोणां दे विच पार्टी नूं पहली वार दे विच ही सीट जिता दित्ती अते नौजवान लीडर ने लाभ सिंह उगोके। इस तो इलावा साफ सुथरी छवि अते साधारण परिवार दे नाल संबंध रखते ने लाभ सिंह उगोके। बुलेटिन च फिलहाल वेला एक छोटे जे ब्रेक दा हो गया, जल्द हाजिर होने आ। आम आदमी पार्टी दे वल्लों कैबिनेट मंत्रियों के नाम नू लैके किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन संभावना यह बन रही है कि जेड़े विधायक वड्डे लीडरां नू हरा के आए ने उन्हां नू मंत्रीमंडल दे विच थां दित्ती जा सकती है। वह विधायक किहड़े ने इस रिपोर्ट दे विच वेख लैने आ। 5 वार दे सीएम रह चुके प्रकाश सिंह बादल नू आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गुरमीत सिंह खुडिया ने लम्मी सीट तो 11,000 तो वध मार्जन दे नाल पछाड़िया भी अते इतिहास रचदे हुए विधायक भी चुने गए ने अते हुण चर्चावां ने कि खुडिया नू कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। चोण नतीजियां दी गल कीती जाए तां गुरमीत सिंह खुडिया नू 66,313 वोटां हासिल होईयां ने, जदकि प्रकाश सिंह बादल नू 54,917 वोटां दे नाल ही हार दा मूंह वेखणा पिया। ते हुण जाण लैणे आ कि आखिरकार गुरमीत सिंह खुडिया कौण ने। आम आदमी पार्टी तो पहली वार चोण लड़दे ने। 10 साल तो वध समां कांग्रेस दे वख-वख अहुदिआं ते रहे ने। लम्मा समां जिला प्रधानगी दा अहुदा भी संभालिया। कांग्रेस पार्टी दे वल्लों अणगौलिया कीते जाण तो नाराज हालांकि चल रहे सन। 2021 दे विच कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हुंदे ने। 2022 दे विच आम आदमी पार्टी दे वल्लों टिकट मिलदी है अते गुरमीत सिंह खुडिया लम्मी तो आम आदमी पार्टी दे विधायक चुने गए ने। ते हुण जाण लैणे आ कि आखिरकार उन्हां नूं मंत्री मंडल दे विच क्यों जगह मिल सकती है। गुरमीत सिंह खुडिया दे कोल लम्मा सियासी तजर्बा है। जिला प्रधानगी दा अहुदा भी संभाल चुके ने अते मुद्दिआं दी चंगी समझ रखदे ने। उधर बादल परिवार नूं दूजा झटका आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जगदीप सिंह कंबोश ने दिता। जलालाबाद सीट ते श्रोमणी अकाली दल पार्टी प्रधान सुखबीर बादल दा कब्जा रहा है। इत्थे पिछलियां 7 चोणां तो हार जित दो पार्टियां श्रोमणी अकाली दल अते कांग्रेस द्वारे ही घूम रही सी, पर इस बार माहौल बदल गया। सुखबीर बादल नूं 60,525 वोटां पईआं अते वोट फीसद रहा 35.4, जदकि जगदीप कंबोज नूं 52.95 फीसद दे नाल 91,455 वोटां हासिल होईआं ने। फर्क 30,930 वोटां दा रहा। इन्ने वड्डे फर्क दे नाल सुखबीर सिंह बादल नूं हराउण वाले जगदीप सिंह कंबोज दा हुण पार्टी दे विच जाहिर तौर ते सियासी कद उच्चा हो गया अते विधायक बनण तों बाद चर्चा च आए जगदीप सिंह कंबोज बारे जाण लैणे आ कुछ खास गल्लां। जगदीप सिंह कंबोज ने 10 साल पहलां राजनीति दे विच कदम रख्या सी।
करीब 1.5 साल पहला आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते ने। पिता राजनीति दे विच पिछले लंबे समय तो सरगर्म ने। पिता पुत्र कांग्रेस दे विच भी कई जिम्मेवारियां निभा चुके ने। 2019 दे विच सुखबीर बादल दे सीट छड्डन तो बाद टिकट दी आस हालांकि कर रहे सन, पर टिकट ना मिलन तो नाराज कंबोज दे वल्लों कांग्रेस पार्टी नूं ही अलविदा कह दिता गया। 5,836 वोटां दे नाल आजाद उम्मीदवार वजो चोण हार जांदे ने अते फिर आम आदमी पार्टी का पल्ला फड़दे ने। 2022 दे विच आम आदमी पार्टी ने जलालाबाद हल्के तो कंबोज नूं टिकट दित्ती अते 30,930 वोटां दे वड्डे फर्क दे नाल शानदार जित दर्ज करदे ने। ते हुण जाण लैणे आ कि मंत्री मंडल दे विच कंबोज नूं क्यों जगह मिल सकती है। कंबोज दे कोल 10 साल का सियासी तजर्बा है, विरासत दे विच ही उन्हां नूं सियासी समझ मिली है। कांग्रेस दे विच कई वड्डियां जिम्मेवारियां निभा चुके ने अते 30,930 दे वड्डे फर्क दे नाल जेतू रहे ने। ता उधर खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल नूं हराउण वाले जगरूप सिंह दी गल करिए ता मुख केता खेतीबाड़ी अते पेशे तो वकील भी ने। जगरूप सिंह ने बीए ते एलएलबी कीती हुई है, बठिंडा म्यूनसिपल कमेटी दे प्रधान रह चुके ने, बठिंडा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे भी चेयरमैन रहे ने अते बठिंडा जिला प्लानिंग कमेटी दे भी चेयरमैन रह चुके ने। जगरूप गिल दे मुकाबले मनप्रीत बादल दिग्गज राजनेता सन, पर जगरूप गिल ने कमाल कर दिखाया। 2017 च बठिंडा अर्बन तो कांग्रेस वालों मनप्रीत बादल विधायक बने अते कैप्टन सरकार दे विच वित्त मंत्री भी रहे, लेकिन खजाना मंत्री दे खजाने चो वोटा दे रूप च खजाना चुराउण वाले जगरूप गिल नूं आखिरकार क्यों मंत्रीमंडल दे विच थां मिल सकती है, ओह वड्डे कारण भी समझ लैणे आ। जगरूप गिल दे कोल प्लानिंग कमेटी दी चेयरमैनी दा तजर्बा है, इस तों इलावा वकालत दे दा पेज खूब जानदे ने अते खेतीबाड़ी दी भी बखूबी समझ रखदे ने। गल जेकर 2022 चोण नतीजिआं दी करिए तां लम्मा सियासी तजर्बा मनप्रीत सिंह बादल दे कम ना आया अते ओह जगरूप सिंह गिल तों चोण हार गए अते हुण सियासी कद उच्चा होण कारण मंत्री मंडल दे विच जगरूप सिंह गिल नूं शामिल कीता जा सकदा है। ऐसे वेला एक होर छोटे जे ब्रेक दा हो गया, जल्द हाजिर होने आ। मान दी नवी कैबिनेट दे विच महिलावां दी थां भी पक्की मनी जा रही है। एक केड़ियां महिलावां ने केड़े दिग्गजां नूं हरा के आईयां ने, इस खास रिपोर्ट दे विच जान लैणे आ। भगवंत मान दी कैबिनेट दे विच किन्नियां महिलावां हो सकदियां ने अते कौन कौन, इस लिस्ट दे विच पहला नाम प्रोफेसर बलजिंदर कौर दा आउंदा है। बलजिंदर कौर आम आदमी पार्टी का उचेरा ने जिन्हां दे कैबिनेट दे विच शामिल होने की सब तो वध आस है। प्रोफेसर बलजिंदर कौर आम आदमी पार्टी की पंजाब की महिला विंग के प्रधान रह चुके ने। 2017 च पहली बार तलवंडी साबो तो विधायक चुने गए, दूजी दफा जित हासिल करन दे विच भी कामयाब रहिंदे ने। पेशे तो प्रोफेसर ने अते माता गुजरी कॉलेज दे विच अंग्रेजी दे प्रोफेसर वजो सेवावां दे रहे ने ते हुण ओह कारण जान लैणे आ जिस कारण उन्हां नूं मंत्री मंडल दे विच थां मिल सकती है। प्रोफेसर बलजिंदर कौर पंजाब दी महिला विंग दी प्रधानगी उन्हां बखूबी संभाली, आम आदमी पार्टी दी इक ताकत लीडर ने, दूसरी बार भी अपनी जित नूं बरकरार रखदे ने और वड्डी लीड दे नाल जितदे ने। सरकार खिलाफ समय समय ते मुद्दे चुकते रहे ने। बलजिंदर कौर की ही तरह जगराओं तो आम आदमी पार्टी की सरबजीत कौर माणुके भी मजबूत दावेदार दसे जा रहे ने। सरबजीत कौर माणुके दूसरी दफा जगराओं तो जेतू रहिंदे ने, आम आदमी पार्टी का दलित महिला चेहरा भी ने। माणुके 2017 च पहली बार विधानसभा चोण जीते सन। सरबजीत कौर माणुके विरोधी धिर दे उपनेता भी रहे ने। सियासत तो पहला माणुके अध्यापक वजो सेवावां दे रहे सन। सरबजीत कौर माणुके नूं आखिरकार मंत्री मंडल दे विच क्यों जगह मिल सकती है, इसका वड्डा कारण यह है कि आम आदमी पार्टी का दलित महिला चेहरा ने।
विरोधी धिर के उपनेता वजो भी उभर के सामने आए सन। बेबाक अते ताकड़ लीडर ने पंजाब के मुद्दों से मजबूत पकड़ रखते ने। ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ NGO ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1992 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕੋਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਆਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਹਰਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਵੀ, ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਸਟ 'ਚ ਅਗਲਾ ਨਾਂ ਨਕੋਦਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ 2002 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੀਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ 3 ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੜਬਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੇ। 2017 'ਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। 2018 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ LLB ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜੇਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
दो बार कांग्रेस तो मंत्री रहे भगवान दास दे बेटे ने। 2007 ते 2012 च कांग्रेस दी टिकट ते चोन लड़े अते हार गए। 2016 च आम आदमी पार्टी च शामिल होए। केजरीवाल वालों मजीठिया तो माफी मंगन ते हालांकि अस्तीफा दे दिता सी। 2019 च चोन कैंपेन कमेटी दे मुखी थापे गए सन। ते हुण उन्हां फैक्टरां दी गल करदे आं जिहड़े कि अमन अरोड़ा दा मंत्रीमंडल दे विच थां पक्का कर सकते ने। अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी दा हिंदू चेहरा ने, पंजाब आप दे सह प्रधान रह चुके ने, चंगा सियासी तजर्बा भी रखते ने अते हर मसले ते बेबाक स्टैंड लैंदे ने। इस तों अलावा 75,000 दी वड्डी लीड दे नाल जित के आए ने। अमन अरोड़ा तो बाद कैबिनेट दे लई तीजे दावेदार कुलतार संधवा हो सकते ने। कुलतार संधवा कोटकपुरा तो दूजी बार विधायक चुने गए ने। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह दे रिश्तेदार ने, कर्नाटक तो इंजीनियरिंग दी डिग्री कीती हुई है। 2017 च आम आदमी पार्टी दी टिकट ते कोटकपुरा तो चुन लड़े सन अते जेतू करार दिते गए। कुलतार संधवा भी आम आदमी पार्टी दे बेबाक लीडरां चो इक ने अते उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि ओह भी नवे मंत्रीमंडल दा हिस्सा हो सकते ने। सियासी मुद्दियां ते मजबूत पकड़ होण दे कारण उन्हां नूं मंत्रीमंडल दे विच थां मिल सकती है। दो वार दे जेतू विधायक रहे ने, विरोधियों ते हमेशा ही बेबाक अंदाज दे विच भारू पैंदे रहे ने, ईमानदार लीडर वजो पहचाने जांदे ने। पंजाब च धार्मिक ग्रंथां दी बेअदबियां दीआं घटनावां अते कोटकपुरा गोलीकांड दी तफ्तीश करन वाली विशेष जांच टीम दे मुखी वजो काम कर रहे कुंवर विजय प्रताप दा नाम भी चर्चा च है कि ओह मान दी नवी कैबिनेट च शामिल हो सकते ने। कुंवर विजय प्रताप 1998 बैच दे पंजाब काडर दे IPS अधिकारी ने। कुंवर विजय प्रताप ने IG दा अहुदा भी संभालिया होया। हाई प्रोफाइल केसां दे जांच अफसर वजो भी काम कर चुके ने अते मीडिया दे विच छाए रहण वाले अफसर ने। 16 मार्च नूं पिंड खटकल कलां च सहुं चुक समागम होण जा रहा है अते भगवंत मान 17वें मुख मंत्री दे वजो सहुं चुकणगे अते आम आदमी पार्टी दे लई वड्डी चुनौती कैबिनेट मंत्रियां दी चोण है अते आउण वाला समां ही दसेगा कि किहड़े विधायक नूं किहड़ी मिनिस्ट्री मिलदी है। इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही सी। देश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर दे लई तुसीं देखदे रहो ABP सांझा।